इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयेश जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, ज्ञान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। जय श्री ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम चयतु शासनम। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, समय निकाला नहीं जाता, निकल जाता है। जिंदगी निकाली नहीं जाती है, निकल जाती है। दिन रात हमारे अनुसार नहीं हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। दिन निकाला नहीं जाता, निकल जाता है। रात निकाली नहीं जाती, निकल जाती है। मरा नहीं जाता व्यक्ति, मर जाता है। ये सबके साथ में जाना लगा हुआ है। हम नहीं मरना चाहें तो भी मरेंगे। हम रात नहीं गुजारना चाहेंगे तो रात गुजरेगी। घड़ी में हम घड़ी भली नहीं चलाना चाहें लेकिन घड़ी तो चलेगी। हमारे रुकने से सृष्टि नहीं रुकती, हमारे रुकने से ये काल चक्र नहीं रुकता है। यदि हमारे रुकने से दुनिया रुक जाती तो अभी तक अपन सारी दुनिया को जहां चाहे रोक लेते। एक चीज अपनी जिंदगी में है, जीवन जिया जाता है। अपने आप जीवन निकलता नहीं है। जिंदगी में और जीवन में अंतर है। जिंदगी निकल जाएगी, उसे निकालने की कोई जरूरत नहीं। उसका टाइम फिक्स है, निश्चित है, कर्मों ने निश्चित कर दिया है। लेकिन जिंदगी में एक जीवन शब्द आता है, जीवंत, जिंदा हो के जियो। हमें जीने का एहसास हो, हमें जीने की महसूस हो कि मैं जी रहा हूं। अनुभूति तुम्हें जीने की नहीं हो रही है, तुम्हें अपने जीवन में हम जी तो रहे हैं लेकिन जीने की अनुभूति नहीं हो रही।
हम सुबह जागते हैं तो हम जाग तो जाते हैं लेकिन जीवंतता की अनुभूति नहीं हो रही। हमें जागते ही अनुभूति होती है फ्रेश होने की। जागते ही तुम उठते ही सबसे पहले तुम्हारे लिए क्या भाव आता है बोलो, बाथरूम जाने का बोलो ना, जो है तो है। ये जागते ही क्या अनुभूति होती है, बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है। उसके बाद क्या अनुभूति होती है, स्नान करना। स्नान के बाद क्या अनुभूति होती है, देखो झूठ मत बोला करो, महाराज को देखकर बोल रहे हो मंदिर जाने की होती है, गलत बात। देख लिया मंदिर में कितने आए हुए हैं, कितने लोग आए हुए मंदिर। और आज तुम कह रहे थे कि मुनि सुब्रत नाथ भगवान का अभिषेक प्रतिदिन होता है, तो विशेष रूप से महाराज शांति धारा करा दो। तो मैंने सोचा शायद ठीक है कर लो, वो तो रूटीन की शांति धारा थी। कितने लोगों को नहाने के बाद मंदिर जाने की अनुभूति होती है, कितने लोग मंदिर के लिए नहाते हैं, नहाते तो सब, लेकिन नहाने के पहले अनुभव में बताओ मंदिर के लिए नहा रहे हो कि फ्रेश होने के लिए नहा रहे हो। गंदगी का अनुभव हो रहा है, शरीर में स्मेल आ रही है, कुछ गंदगी का अनुभूति हो रही है, इसलिए नहाने जाते हो, इसलिए नहाने को गए, या मुझे उस पवित्र स्थान पर जाना है इसलिए मुझे पवित्र की अनुभूति होना चाहिए। 99% लोग नहाने जाते हैं फ्रेश होने के लिए, गंदगी दूर करने के लिए। एक आध % किसी को भाव आता है मैं मात्र मंदिर जाने के लिए नहा रहा हूं, अनुभूति में मंदिर आ जाए। आते तो हो मंदिर तो आते हो नहाने के बाद, लेकिन नहाने के पहले मंदिर की अनुभूति नहीं आती। ये अनुभूति नहीं आती कि हे प्रभु मैं तेरे लिए नहा रहा हूं, फ्रेश होने के लिए नहीं। फ्रेश तो मैं हो ही नहीं सकता क्योंकि हर दिन नहाता हूं, हर दिन गंदा हो जाता हूं। मात्र मैं नहा रहा हूं तेरे पास आने के लिए क्योंकि तू इतना पवित्र है, इतना निर्मल है और मैं संसार का सबसे गंदा आदमी हूं और तू सबसे ज्यादा पावन आदमी है। बस इसलिए नहा रहा हूं कहीं मेरे गंदे तन से तेरी मूरत गंदी ना हो जाए, इसलिए नहा रहा हूं। क्योंकि मैं तुझे छुए बिना रहूंगा नहीं, मैं इतना पावन नहीं बन सक रहा हूं तेरे बिना, लेकिन मैं इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि मैं पावन न बन सका तो कोई बात नहीं, कम से कम तेरी मूरत को गंदा न कर दूं, इसलिए मैंने नहाने का मन बनाया है। नहाया भी तो भगवान के लिए नहाया,
फ्रेश होने के लिए नहीं नहाया, बस अंतर कुछ भी नहीं। जो नहाएगा मंदिर के लिए वो भी फ्रेश होगा कि नहीं है, लेकिन अंतर कितना है। फ्रेश तो मंदिर के लिए नहाओगे तब भी फ्रेश होगे, तब भी की गंदगी दूर होगी, तब भी आप स्वच्छ होगे, लेकिन जब मंदिर के लिए नहाते हो उस समय तुम्हारा जीवन ऐसा पावन बनेगा एक दिन कि तुम बिना नहाए भी इतने पावन रहोगे कि तुम्हारे ऊपर कोई जल ढलेगा वो गंदा नहीं गंदोदक बनने लगेगा, क्योंकि तुमने मंदिर के लिए नहाया, प्रभु के लिए नहाया, प्रभु को ध्यान करने के लिए नहाया कि नहीं भगवान मैं गंदा हूं, मन को नहला नहीं सकता, काया को नहला सकता हूं, क्योंकि मुझे तेरी मूरत छूना है, मैं छुए बिना रहूंगा नहीं, क्योंकि तेरे चरण वो पारस पत्थर हैं जिस मुझे लोहे को सोना बना सकते हैं, बिना छुए नहीं बनेगा। कितना भी पारस को और लोहे को अलग अलग रख दो सोना नहीं बनेगा। सोना कब बनेगा? जब पारस उस लोहे को छुएगा। मैं भी तुझे छूना चाहता हूं लेकिन मैं गंदा हूं ना, मेरा मन गंदा, मेरा वचन गंदा, मेरी काया गंदी, मेरा दिन गंदा, मेरा रात गंदा, मेरे सोच गंदे, मेरे कार्य गंदे, मैं सब तरफ से गंदा हूं। और गंदगी दूर तो मैं कर नहीं पाया, बस एक जल से काया को गंदे शुद्ध कर दूं और बाकी शुद्धि आपको करना है, काया की शुद्धि मैं करके आ रहा हूं। बहुत बड़ी बात, एक शुद्धि तुम्हें भगवान के लिए करना है, जैसे काया की शुद्धि बोलते हैं। स्नान तुझे भगवान, और तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे भगवान के लिए, और कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे भगवान के लिए, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मात इतना ही कर लो कि भगवान मैं तेरे लिए स्नान कर रहा हूं। कोई महंगा काम तो नहीं बता दिया गिरौर वालों? नहीं, शायद बहुत महंगा काम, महाराज जी हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। मात्र एक काम, भगवान के लिए स्नान करना है बस। अभी मैं स्नान की बात, इतना विचार आ जाए, तेरे लिए नहाऊंगा भगवान, नहाऊंगा मैं, और तेरे लिए मैं स्नान करूं, क्योंकि यह मेरे बस में है, मेरे पास जल है और मैं नहा सकता हूं और नहाता ही हूं। जन्म जन्म निकल गए इस शरीर को नहाते हुए, सागर के जल सो सुच कीजी तो भी शुद्ध ना हुई। सागर के जल से भी मैंने शुद्ध किया तो भी शुद्ध नहीं हुआ। बस आज मन कर रहा है कि आज मैं तेरे लिए नहाऊंगा, तेरे लिए नहाऊंगा। महानुभाव, ऐसी पवित्र शक्ति, ऐसी पवित्र वरणाएं तुम्हारे शरीर में उस समय कर्म के बंद होंगे कि तुम्हारा शरीर एक दिन बिना नहाए भी सुगंधित हो जाएगा। तुम्हारे अंदर महाबीमारियां निकल जाएगी। कोई ऐसे वायरस, अभी मैंने आपको भगवान के पास नहीं बुलाया, मात भगवान के पास आकर के तो क्या मिलता है, वो तो बहुत बड़ी चीज है। मैं तो इतना ही बता रहा हूं, भगवान के लिए नहाने से क्या मिलता है, भगवान के लिए नहाने से क्या मिलता है। उस समय तुम्हें ऐसे कर्म का बंध हो जाएगा
कि तुम्हें चर्म रोग नहीं होगा, तुम्हें कभी वायरस प्रवेश नहीं करेगा। तुम्हारी जिंदगी में वायरस, ऐसे वायरस प्रवेश नहीं करेंगे जो शरीर को सड़ा देते हैं, गला देते हैं। कुष्ठ रोग से बचोगे तुम, चर्म रोग से बचोगे तुम, क्योंकि तुमने मन किया है कि मैं भगवान के लिए नहा रहा हूं। सुबह से तो तुमने, और हो सके बहुत बड़ी बात है। ये कैसे बड़े बड़े चक्रवर्ती इतने संसार में रह करके भी तर गए, मोक्ष हो गया, संसार में ही थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले, साधु क्यों महान हो जाता है, उसकी क्रिया सब कुछ अपने लिए होती ही नहीं। हम लोग अपने लिए कुछ करते ही नहीं। सुबह उठे थे तो किस लिए उठे थे? आप लोग सुबह उठे निद्रा से किस लिए उठे? क्या किया वो तो बता दिया, जल्दी क्यों उठ गए? क्यों उठे हो आप लोग? महाराज आप सबको मालूम है, आपको क्या उठे? नौकरी पे जाना है, दुकान खोलना है, बाल बच्चे पालना है, पेट पालना है, और आप सब जानते तो है, इसलिए उठे। बस। और साधु भी उठता है, वो भी सोता है। तुम जल्दी क्यों सोए? तुम शाम को जल्दी क्यों सोए? क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। साधु भी जल्दी सोता है क्योंकि साधु को भी जल्दी उठना है। दो व्यक्ति हैं। आपने कहा मैं जल्दी सो रहा हूं, घर में सब लोगों से कहा, बोले क्यों सो रहे हो? बोले जल्दी उठना है। अब जल्दी क्यों उठना है ये निर्णय आप सोचना है। कहीं बाहर जाना होगा, कहीं दुकान जल्दी खोलना होगी, कभी रिश्तेदारी के यहाँ जाना होगा, इन सब के लिए आप कितने बार जल्दी उठते हैं? और साधु देखना, बोले जल्दी उठना है, बोले क्यों? सुबह हमें जल्दी सामायिक करना है। सामायिक का काल निश्चित है, लेट सोऊंगा तो सामायिक छूट जाएगी। अब साधु उठा भी तो सामायिक के लिए उठा, और तुम उठे भी तो संसार के लिए उठे, दुनिया भर के कार्यों के लिए उठे। बस अब साधु जब उठ रहा है सामायिक के लिए, एक दिन ऐसी स्थिति पाएंगे कि पूरी जिंदगी भर निद्रा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सामायिक के लिए उठा है। तुम भी सुबह उठते हो, काल निश्चित करो कि हम, कल प्रश्न आया था ना सामायिक का, सामायिक का काल निश्चित करो कि हम 4 बजे सामायिक करेंगे। कभी भी सामायिक कर लूं महाराज, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, एक टाइम फिक्स करो। और शाम को सोते समय कोई कहे क्यों भाई जल्दी क्यों सो रहा है, बोले मालूम मैंने 4 से 5 के बीच में सामायिक का नियम लिया है, यदि लेट सोऊंगा तो लेट नींद खुलेगी, इसलिए मैं सो रहा हूं क्योंकि मुझे 4 बजे सामायिक करना है। अभी मैंने सामायिक का फल नहीं बताया, मैंने सामायिक के लिए उठने का फल बताया है। उठे तो किस लिए उठे? जागे तो किस लिए जागे? जल्दी सोए थे तो किस लिए सोए थे? देखना, जल्दी सोए थे कहकर सोए थे, देखो मुझे लेट हो रहा हूं, मुझे जल्दी सोना। बोले क्यों? मैंने नियम लिया है महाराज से, मैं 4 बजे सामायिक करूंगा, और यदि मैं लेट सोया तो लेट उठूंगा तो सामायिक टूट जाएगी, इसलिए मैं जल्दी सो रहा हूं सामायिक के लिए। अब जाओ, पूरी रात भर आप सोते रहे 4 बजे तक,
और आपको देवगति का बंध होता रहा सोते सोते। क्यों आप किस लिए सोए थे रिपीट करते जाना, सामय के लिए, क्योंकि मेरा नियम 4 बजे का है, इतनी देर में सोता हूं, यदि लेट सोया तो लेट हो जाऊंगा। पूरी रात भर आप सोते रहे, आप पूरी रात भर वही पुण्य बंद करते रहे जो सामय करते समय होते रहे, वही पुण्य बंद होता रहेगा। पूरी रात भर आपकी सामयिक चल रही है, उस समय यदि देव गति का बंद हो जाए जायु का, तो रात में भी तुम देव जाकर के बनोगे। सामयिक के लिए उठे, संकल्प मात करना। हम साधु लोग सब कुछ करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते, सब कुछ अपने लिए ही करते हैं, धर्म के लिए करते हैं। हम लोग भी जब सुबह उठते हैं सामयिक करते हैं, शुद्धि भी करते हैं, आहार भी लेते हैं, तुम भी करते हो शुद्धि आदि, ठीक है, हम हाथ पैर की करते, तुम पूरा स्नान करते, लेकिन उसमें बस मंदिर के लिए उठ जाओ। अब इतना और बता दो, कुछ लोग महाराज जी, कुछ लोग तो मंदिर के लिए उठते हैं, ये 10-15 लोग उठ के आए ना, मंदिर के लिए नहाया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ही नहा के आया हो, ये प्रतिदिन वाले हैं कि आज वाले हैं? इनमें कितने लोग हैं जो आज ही के लिए ना आए, सब प्रतिदिन वाले हैं, शायद नहीं होंगे। क्यों? अब आप मंदिर भी आए तो मंदिर क्यों आए? पहली बार तो आपने नहाया तो मंदिर के लिए नहा दिया, चलो अब मंदिर भी क्यों आए? बस इतना बता दो। बोले महाराज मैंने नियम लिया है कि बिना नहाए भोजन नहीं करूंगा, तो मंदिर भी आए तो भोजन के लिए आए, क्योंकि नियम ले लिया था ना। हम मंदिर के लिए मंदिर कभी आए ही नहीं। एक मां ने बालक से कह दिया, देख मंदिर जा तब नाश्ता मिलेगा। बच्चे ने कहा बड़ी आफत है ये मंदिर, वो जब माँ ऐसा आदेश दे दे ना तो मंदिर उसको बहुत बुरा लगता है, तो वो सीधा मंदिर नहीं जाता, बाजार में घूम के आ जाता है। बोले साहब कहाँ मंदिर होके आ गया मैं, एक आध बार पकड़ा गया। बोले ऐसे नहीं, मंदिर में जाकर तू तिलक लगा के आ, तो मंदिर चला जाता है और भगवान को नहीं देखता। भगवान कहते आप तो बैठे रहो, हमें तो चंदन बताओ कहाँ है, क्योंकि हमें नाश्ता कब मिलना है। मम्मी ने कह दिया ना कि तिलक लगा के आ तब तुझे नाश्ता मिलेगा, तो उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं, वो तो ढूंढता है कि केसर की कटोरी कहाँ रखी, वो लगा लेगा, भगवान बस आप बैठे रहो मैं जा रहा हूँ। कहीं ऐसे ही तो नहीं हो रहा है आपका कि आप मंदिर आए तो इसलिए आए क्योंकि आपका नियम था कि हम बिना भगवान के अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि नियम ले लिया था। तो भोजन नहीं करेंगे इसलिए आप मंदिर आए, तो उसमें भी मंदिर आए तो भोजन के लिए आए। मंदिर के लिए तो आए ही नहीं आप, भगवान के लिए तो आए ही नहीं आप। आपने नियम ही ऐसा लिया है कि मैं बिना भगवान के दर्शन के भोजन नहीं करूंगा, तो ये नियम भी आपको मात भोजन ही दे पाएगा, भोजन ही दे पाएगा। भगवान के लिए कब आए, भगवान के लिए कब आए? कुछ लोग इसलिए भी आते हैं कि हम धर्म करेंगे तो हमारा संसार अच्छा चलेगा, हमें पुण्य का बंध होगा, हमारा व्यापार अच्छा चलेगा, हमारी सदगति होगी, मैं मर करके अच्छी गति में जाऊंगा, इसलिए मंदिर आए।
इसमें तो प्रायः सब आ जाएंगे। क्यों मंदिर आते हो? महाराज, जिससे पुण्य का बंध होगा, अच्छी गृहस्थी चलेगी, व्यापार धंधा चलेगा, और मरण के बाद मेरी गति भी अच्छी हो जाएगी। इससे ज़्यादा कभी सोचा? बस तीन चीज़ें तुम सोचते हो, या तो मेरी गति अच्छी हो जाएगी, पुण्यबंध अच्छा हो जाएगा, या नियम ले लिया है तो भोजन के बिना नहीं करूँगा। इससे आगे कोई सोच ही नहीं। भगवान के लिए कब आए हो? अपने कल्याण के लिए आओगे और क्या, ज़्यादातर भगवान के लिए कब आए हो? भगवान, आज मैं तेरे लिए आया हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं अपने लिए मंदिर नहीं आया हूं, आज तेरे लिए आया हूं। बोल, तेरी क्या इच्छा है? जो तेरी इच्छा है वही मेरी जिंदगी है, वही मेरा जीवन है। मैं तेरी इच्छा के लिए जिंदगी समर्पित करता हूं। मंदिर के लिए करो कुछ, भगवान के लिए करो कुछ, फिर वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तुम सब अपने लिए कर रहे हो, सब अपने लिए कर रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हारा स्वार्थ है, पुण्यबंध का स्वार्थ होगा, सदगति का स्वार्थ होगा। कभी एक दिन मंदिर आना तेवर शुद्ध भगवान के लिए। मैं सदा कहा करता हूं, हर बेटा अपने माँ बाप से अपनी इच्छाएं पूरी कराता है, जैसे बनते तैसे, अच्छे से, रो करके, धमका करके, डरा करके, जैसे बनता तैसे माँ बाप से अपनी इच्छाएं तुम पूरी करा लेते हो, करा लेते। ऐसा एक भी नहीं बैठा होगा जिसने अपनी इच्छाएं माँ बाप से पूरी नहीं कराई होगी। और माँ बाप बेचारे मोह ही रहते हैं, वो करते हैं। माँ बाप की ज्यादा जिंदगी नहीं होती, थोड़ी सी एक धमकी देता, पापा मेरी ये बात पूरी करते हो कि नहीं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, भाग जाऊंगा। इतने ही में मम्मी पापा क्या हो जाते, बोलो ना, उनके प्राण ही बेटा है। अरे बेटा मर मत। दुर्योधन क्या करता था जब धृष्टराज कुछ मना करते थे, बेटा ये गलत है, पिताजी आप बात मानते हो नहीं तो मैं मरूंगा, तो अरे बेटा मर मत, मत कर रहा हूँ, जुआ खिलवाना है आज, वो खिला देगा। माँ बाप के प्राण बच्चों में बसते हैं, बच्चे एक धमकी देते हैं माँ बाप को, हर बुरा कार्य, हर कितने गत मन बेमन के कार्य बच्चों के खातिर करते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो रो पड़ते हैं। कभी बच्चा कोई बड़ी मांग कर दे और माँ बाप पूरी ना कर पाए तो माँ बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं, हे भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया कि आज बच्चे की इच्छा में पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। ये आता है कि नहीं आप लोगों को? आता है, ये तो सब होता है। अब मैं गौर में पूछना चाहता हूँ, ऐसे कितने लोग बच्चे हैं, छोटे और बड़े सभी, अभी सब अपने आप को बच्चा मान लो, जिन्होंने ये संकल्प किया हो कि मैं माँ बाप की हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बाप से कभी पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? हमने अपनी इच्छाएं बता बता करके उनको नौकर बना रखा है, और वो करते करते नौकर बन भी गए, हमारे लिए जी रहे हैं। हर बेटा माँ बाप को अपने लिए जिंदा रखे हुए है, अपने लिए। मैं अनाथ हो जाऊंगा, माँ बाप को 99.99 बेटी
माँ बाप को इसलिए जिंदा रखे है अपने खातिर, वो मेरे काम में आएंगे, मेरे काम के हैं, मेरे लिए। ये तो दुर्योधन भी करता था। क्या कभी तुम्हें भाव आया, माँ बाप मेरे लिए नहीं है, मैं माँ बाप के लिए हूँ। माँ बाप ने मुझे जन्म क्यों दिया, उनकी क्या इच्छा थी? जरूर कोई इच्छा रही होगी। क्या इच्छा थी, क्या भावना थी, वो क्या चाहते थे? मैं माँ बाप के लिए जिंदा रहूंगा। अब सब कुछ तुम्हारा, जो कुछ भी करना, अभी तक माँ बाप से पूछो तो क्या बोलते हैं आप लोग? मेरे आने के पहले की दशा बता रहा हूँ, और कल से क्या दशा होना चाहिए थोड़ा सा परिवर्तन करूँगा। अभी तुमसे पूछा जाए, बड़े लोगों से, धंधा पानी क्यों कर रहे हो, तो आपके दो जवाब होते हैं, पापी पेट के लिए। ओके, ठीक है ना? हाँ बोल दो जल्दी। और फिर दूसरा जवाब, बाल बच्चों के लिए। 99% किस लिए, हर जिसके यहाँ बाल बच्चे हैं, बाप हो गया, वो एक ही बात बोलता है, किस लिए क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? बोले, बाल बच्चों को पाल रहा हूँ। यही परिभाषा गंदी है। यदि ये जवाब तुम्हारा है तो फिर तुम्हें इतना सब मेहनत करने की जरूरत नहीं, पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है। पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, और बाल बच्चे तो नाम तुम ही ले लो तो अच्छा है। कुत्ता से भी गया बीता एक होता है, जो तुम्हारे तो एक और दो हैं, उससे कितने होते हैं? वह जानवर भी बच्चों को पाल लेता है कि नहीं? तुम बाल बच्चों के लिए पाल रहे हो? नहीं मानवा। आज मैं ये सोचना चाहता हूं, बाल बच्चों के लिए नहीं पाल रहे हो आप, धंधा पानी कर रहे हो। आप परिभाषा कर दीजिए, मैं जो कुछ भी कमा रहा हूं अपने मम्मी पापा के लिए कमा रहा हूं। जिंदा क्यों हो? बोले, माँ बाप के लिए। जल्दी क्यों सो रहे हो? बोले, माँ बाप के लिए। जल्दी क्यों उठ गए हो? माँ बाप के लिए। ये रोटी क्यों खा रहे हो? माँ बाप के लिए। मुझे उनकी सेवा करना है ना, इसलिए मैं जिंदा रहूंगा। उनकी वृद्धावस्था मुझे अच्छे निकालना है, मैं जिंदा रहूंगा। सब कुछ तुम्हारा वो बन जाए, परिवर्तन वही है। क्योंकि जानवर बाल बच्चों के तो चिंता करता है, लेकिन जानवर माँ बाप की चिंता नहीं कर सकता, वो माँ बाप को भूल जाता है। और तुम्हारी दृष्टि में भी यही है तो सब कुछ यही हो रहा है। कभी जीने की इच्छा करना, तुम्हारे घर की बात तुम जानो, मंदिर की बात, मंदिर भी हमेशा हम आए अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए। कभी मंदिर आए, भगवान मैंने तेरे लिए नहाया है आज, मैंने, रिपीट करो, तेरे लिए नहाया है आज, मैंने अपने लिए तो बहुत बार नहाया, इतना नहाया कि मैं जल में ही मछली बना, नहाते ही रहा, आज मैंने तेरे लिए नहाया है। और मंदिर जब भी आया, मैं अपने लिए आया, भगवान आज मंदिर में तेरे लिए आया, आज तेरे लिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, आज बस तेरे लिए आया हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं प्रभु, आज तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, तेरी इच्छा पूरी, बस मुझे प्रभु तेरी इच्छा चाहिए। तेरी इच्छा क्या है? एक दिन बैठना भगवान के सामने, भगवान के लिए बैठना,
और पूछना भगवान की इच्छा क्या है। गजब महानुभाव। अपन सोचते हैं कि हम बड़ों के लिए जिएंगे तो अपने लिए क्या जिएंगे? यदि सब माँ बाप के लिए कमाएंगे तो अपने लिए क्या कमाएंगे? नहीं महानुभाव, यही तो विशेषता बता रहा हूं। भगवान कहेंगे बेटा मेरे लिए, हाँ भगवान मैं आपके लिए जी रहा हूं, आज आपके लिए, आप बोलो आपकी इच्छा क्या है। ओ सुनो, डरना मत, पता नहीं भगवान क्या इच्छा कर दें, हम पूरी कर पाए या नहीं। नहीं भगवान है ना तुम्हारा, पहले भगवान तुम्हारा भगवान सच्चा है कि खोटा है? पक्का बोलो ना। हाँ तो डरना नहीं, भगवान पता नहीं क्या इच्छा कर ले, भगवान अपना है और सच्चा है, वो कभी गलत इच्छा करेगा ही नहीं। वो धीरे से कहेगा बेटा मेरी एक ही इच्छा है, यदि तू पूरा कर सके तो कर दे, तेरा कल्याण हो जाए, यही मेरी इच्छा है। माँ बाप क्या चाहेंगे? माँ बाप से तुम कहीं कहना कि पिताजी बोलो आपकी क्या इच्छा है, बोले मेरी एक ही इच्छा है तू अच्छे पैर पे खड़ा हो जा, बहुत ऊंचाइयों पर छू ले, बस यही मेरी इच्छा है, दोनों काम हो गए। बात लौट के वहीं आ गई ना, लेकिन वही तुम इच्छा करके गए थे और वही रिटर्न भगवान की तरफ से आया, हम तर गए, हमारा हो गया कल्याण। अब हम कह सकते हैं हम जो महान बन रहे हैं किस लिए बन रहे हैं? भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि भगवान ने इच्छा की है संसार सुखी रहे, मैं सुखी रहूंगा, कभी रहूंगा नहीं, क्योंकि भगवान की इच्छा है संसार सुखी रहे, हर चेहरे पर मुस्कान रहे, मैं रहूंगा। भगवान की इच्छा है कि मैं पाप से मुक्त हूं, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान की इच्छा है कि मैं पापों से रहित हो जाऊं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना, मैं नहीं घबराऊंगा बैर पाप, मैं किसी से बैर नहीं साधूंगा, क्योंकि भगवान की इच्छा है मैं किसी से बैर ना करूं। इसलिए भगवान के खातिर तुम मेरा कितना भी बिगाड़ देना, मैं किसी से द्वेष नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे भगवान की इच्छा पूरी करना है। यदि मैंने बैर रखा तो भगवान की भावना खोटी हो जाएगी। भगवान की भगवान ने भावना भाई थी कि बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए, और मैंने बैर किया भगवान की खातिर, मैं बैर नहीं करूंगा। पाप का मन है, तुम पाप कर सकते हो, नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे भगवान की इच्छा नहीं है कि मैं पाप करूं, मैं पाप करूं। तुम अपने लिए कुछ मत करना, तुम भगवान ने कहा कि पाप नहीं करना, मेरी इच्छा है बस भगवान की खातिर मत करना। जो जो तुम्हारी इच्छाएं होती हों, तुम्हारे घर का भगवान माँ बाप है, तुम्हें जो भी पाप करना है माँ बाप से पूछ के करना, बस उनसे पूछ के करना। यदि वो चाहते हैं कि तू शराब पिएगा तो पीना, वो चाहते हैं तू गुटखा खावे तो खाना, लेकिन वो नहीं चाहते हैं तो दुनिया से कहना क्यों भाई तू शराब क्यों नहीं पीता, तू गुटखा क्यों नहीं खाता, तेरे पास पैसे नहीं है क्या? बोले है। तो क्या पीने की हिम्मत नहीं है? बोले है। क्या पी नहीं सकता? बोले है। क्या पीने की इच्छा नहीं है? बोले है। फिर क्यों नहीं पीता हूं? क्योंकि मेरे मम्मी पापा की इच्छा नहीं है इसलिए नहीं पीता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं है, बस इसलिए मैं नहीं करा। मेरी इच्छा होती है कि मैं पाप करूं, लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे मम्मी पापा की इच्छा नहीं है। इतना सा नियम तुमने ले लिया और कोई पाप तुमने इसलिए छोड़ा है कि तुम्हारे माँ बाप की इच्छा नहीं है,
उस कारण तुमने छोड़ दिया, जाओ उसी समय तुम्हें ऐसा कर्मबंध होगा, तुम कई सौ सौ तक कभी अनाथ नहीं बनोगे, सदा माँ बाप की छाया बनेगी, क्योंकि तुमने कुछ किसके लिए किया, माँ बाप के लिए, मेरे माँ बाप को पसंद नहीं। तुम्हें जैन जाति चाहिए, बोलो अंगला भाव, तुम्हें जैन जाति में पैदा होना है या जैन जाति अच्छी नहीं लगती हो तो छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। चलो भारतवर्ष में तुम्हें जन्म लेना अच्छा है कि विदेश में जाना है, बोलो मैं तुम्हें बहुत संक्षेप में विदेश जाने का रास्ता बताता हूँ, वहीं जन्मोगे बल्दियत से, मेरे पास टिकट है रिजर्वेशन का, वीजा में करा दूंगा, पक्का गारंटेड वीजा है। बोलो भारत में ही जन्मना है कि विदेश में है? बस एक नियम लेना है, जो हमारे भारत को पसंद नहीं है वो कार्य मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे भारत देश को पसंद है। आप जाति पे आइए, आप जैन जाति में जाना चाहते कि अन्य जाति में, आप बताए, मेरे पास सब है, पक्का? बस एक ही नियम लेना, कोई ज्यादा नियम नहीं, जो जैन जाति को पसंद नहीं है वो कार्य मत करना, करने का मौका आएगा, तुम कर सकते हो, तुम्हारा मन भी डोलेगा कि मैं ये पाप कर सकता हूं, पाप कर सकता हूं, करने का मन भी हो रहा है पर करना मत। कोई पूछे क्यों नहीं कर रहा है जब तेरा मन हो रहा है, तो नहीं, क्योंकि मेरी जैन जाति को ये पसंद नहीं है, बस इतना सवाल। जो जैन जाति को पसंद नहीं है वो मैं नहीं करूंगा, गारंटी मैं देता हूं, अंगला भाव तुम्हारा जैन जाति में ही पैदा हो गए, इतना संयम करना। कुछ तो दियो, वो जैन जाति के लिए क्या जिए हो तुमने, क्या किया है जैन जाति के लिए, तुमने जैन बनना चाहते हो, तुमने क्या किया जैन जाति के लिए, क्या कभी एक नियम लिया कि मैं जैन जाति की रक्षा के लिए नियम लेता हूं, वैसे तो मैं नहीं लेता लेकिन मेरी जाति को पसंद नहीं। जिस कुल में तुम जन्मे हो वो कुल अच्छा है या बुरा, उस कुल के लिए तुमने क्या किया, मेरे कुल में ये पाप नहीं होता आया, मैं नहीं करूंगा, कर सकता हूं, करने का मन भी है लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे कुल को ये पसंद, उस कुल के नाम से आपने त्याग किया, ऐसे ही माँ बाप के नाम से, मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है, बस मेरे इस पाप को सुनकर माँ बाप की आंख में आंसू आ जाएगा, मैं उनको रोते हुए नहीं देख सकता, मैं सब कुछ करने में ताकत है, धन भी है, तन भी है, मन भी मेरा है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये पाप करते ही मेरे माँ बाप की आंख में आंसू आ जाएगा, और मैंने नियम लिया है जिंदगी में कुछ भी हो जाए मेरे कारण से माँ बाप की आंख में आंसू, बस इतना सा नियम तुम पाल लो, बाकी तुम्हें एक दिन ऐसी गोद में पैदा कराऊंगा कि साक्षात तीर्थंकर के यहां तुम जन्म ले सको। कुछ तो करो, उनके लिए क्या किया है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, उन्होंने तुम्हें पालन किया, उन्होंने तुम्हें बड़ा किया, उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी माँ तुम्हारी गंदगी साफ करती रही, मैत्रानी बनी रही, कपड़े धोबन बनी रही, रोटी बना बना के खिलाई, क्या नहीं किया माँ बाप ने तुम्हें, तुमने क्या किया उनके लिए, इसका जवाब दो, क्या किया उन्होंने, तो क्या किया वो सब तुम जानते हो। अपने बच्चों के लिए हर माँ बाप क्या नहीं, मैं बच्चों से पूछ रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति यहां बाप है, प्रत्येक व्यक्ति यहां बच्चा है, तुमने माँ बाप के लिए क्या किया, क्या किया, जो मात्र माँ बाप के लिए किया हो, अपने लिए नहीं, माँ बाप के लिए किया हो, माँ बाप की पसंद नहीं, मेरी पसंद नहीं, मैं माँ बाप को रोते हुए नहीं देख सकता, ये तुम्हारे घर का संकेत दिया, अनाथ ना हो जाओ। चलो मंदिर से अपन ने बहुत बार सब कुछ लिया, जब भी दुख आए हम नरियल लेके चले आए, जब भी परेशानी आई तब हम चले आए, जब भी हमें कुछ भी हुआ हम आशीर्वाद लेने चले आए मंदिर में, हमने भगवान के लिए क्या किया, क्या एक इच्छा भगवान की मानी,
भगवान की एक ही इच्छा है कि मैं तेरे लिए यहां आया हूं। लो सिद्धालय से उतर के आए हैं भगवान, सिद्धालय से उतर के आए हैं भगवान। पूछा तुमने कभी भगवान क्यों आ गए? शायद भगवान को सिद्धालय में बुरा लग रहा होगा इसलिए आ गए होंगे, चलो गिरोह में चलते हैं, यहाँ तो अकेले हैं। और उस सिद्धालय में उनको बुरा लगता था? बोलो नहीं। कैसे आ गए गिरोह में? कहीं अच्छा इनको ऐसा है कि कहीं इनको रहने को स्थान नहीं मिला इसलिए गिरोह वाला, भगवान चलो कोई बात नहीं, बेचारे कहीं जगह नहीं मिली तो गिरोह वाले का भगवान यहाँ आ जाओ, यहाँ यहाँ थोड़ी लंबी चौड़ी जमीन भी पड़ी है, वहाँ आपका मंदिर बनाए देते हैं, इसलिए आ गए क्या? कभी पूछा भगवान क्यों आ गए, क्यों बैठे हैं मंदिर में, क्यों बैठे, क्यों कराया पंचकल्याणक, क्यों जिनवाणी ने मुनि महाराज को भेजा जाओ इनका पंचकल्याण करके आओ और भगवान को बुलाओ, क्यों? कभी सोचा? बस एक ही बात भगवान की इच्छा थी कि मैं तेरे बीच में आ जाऊंगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा तेरे लिए, मैं तो शरीर अतीत हूं, मैं तो कर्तापन से ऊपर उठ गया हूं, मैं तो इसलिए तुम्हारे पास बैठा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तू मेरे ऊपर एक कलश ढाल देगा तो गंधोदक दे दूंगा जो तेरे जन्म जन्म के पापों को टाल देगा, इसलिए बैठे हैं। वो गंधोदक देने के लिए बैठे हैं। तो मैं तो तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तू कलश उठा करके मेरे ऊपर ढालेगा ना, उसी से तेरा वेरा पार हो जाएगा। वो अपना अभिषेक नहीं करा रहे, अपने लिए नहीं बैठे हैं, भगवान को अभिषेक की जरूरत ही नहीं, उनको गर्मी चढ़ती नहीं, गंदे कभी, प्यास कभी, फिर जल क्यों? दुनिया के भगवानों का तो अभिषेक मुझे समझ में आता है क्योंकि वो फ्रेश होते हैं, प्यास भी लगती, गर्मी भी चढ़ती, लेकिन जैनियों के भगवान को अभिषेक करने की क्या जरूरत है? इनको ये सब कुछ नहीं होता, मात्र महानुभाव, मात्र भगवान जिस इच्छा लेके आए कि मैं अपने भक्त को गंधोदक देना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लेकिन गंधोदक के बहाने इनके जन्म जन्म के पाप काट दूंगा, इसलिए बैठे। क्या इच्छा ये पूरी कर पाओगे आप लोग? भगवान की इच्छा बता रहा हूं, वो नहाते भी हैं तो अपने लिए नहीं नहाएंगे, किसके लिए? मैंने पहले ही कहा भगवान की इच्छा क्या है, तेरा कल्याण हो, भगवान की इच्छा क्या है, तू सुखी रहे, भगवान की इच्छा क्या है, मेरे भक्तों के दुख दूर हो, इसलिए वो करते हैं। क्या ये इच्छा गिरौर का हर पुरुष वर्ग कर सकेगा? क्या कर सकेगा? क्या संकल्प ले सकोगे कि भगवान जब तक मेरे नहाने का लोटा उठता रहेगा तब तक तेरे अभिषेक का लोटा भी उठता रहेगा? जिस दिन नहाने का लोटा नहीं उठा पाऊंगा उस दिन अभिषेक का लोटा नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए ये मत मांगना भगवान मेरे हाथों में ताकत बनी रहे, बस इतना मांगना कि भगवान तेरे अभिषेक का लोटा उठाने की ताकत बनी रहे, फिर नहाने का तो अपने आप उठ जाएगा। क्या इच्छा पूरी कर पाओगे भगवान की? इसलिए भगवान बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि तू पूजा करेगा, तू कभी भूखा नहीं मरेगा, इसलिए बैठे हैं कि तू मेरे दर्शन करेगा, तेरी दृष्टि सदा, तेरी दृष्टि में कमेशा ज्योति बनी रहेगी, वो सब तुम्हारे लिए बैठे, और इच्छा पूरी करने के लिए हमें समर्पित होना है। जैसे मैंने कहा तुमने नहाया मंदिर भी आए तो भोजन के लिए आए, और भोजन काय के लिए किया था
ये और बता। मंदिर आए क्योंकि भोजन करने का नियम लिया था, मेरा मंदिर के अभिषेक के भोजन नहीं करूंगा। और भोजन क्यों किया? भोजन क्यों किया? मेरा दुकान पे जाना है। दुकान पे क्यों गए? धन कमाना है। धन क्यों कमाया? मंदिर क्यों गए? भोजन के लिए। भोजन क्यों किया? दुकान के लिए। दुकान क्यों गए? धन कमाने के लिए। धन क्यों कमाया? जल्दी बोलो। रोटी कपड़ा और मकान जीवन के हैं तीन निशान, और ये हो गया चक्र। खाने के लिए खाया दुकान के लिए, मंदिर गए दुकान खाने के लिए, खाना दुकान के लिए, धन कमाया और धन कमाने के बाद पुनः वहीं घूम करके आ गए, वहीं पाप में लिप्त हो गए। सूरा बदलो भगवान, मैं तेरे लिए मंदिर आया हूं। अब मंदिर से जाओगे तो क्यों जा रहा है बेटा? क्यों जा रहा है तू? तू मेरे लिए आया था ना। आहा, बहुत मजेदार बात याद आ गई। थोड़े भी आसन्न भव हो गए तो शायद तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तू मंदिर के लिए आया था ना? हाँ भगवान, मंदिर के लिए आया था, तेरे लिए आया था। अब जाना है। किसके लिए जाना है? किसके लिए जाना है? जाना तो है, जाओगे, जाना भी चाहिए। जाके भोजन करना है ये भी पक्का है। मंदिर के बाद भोजन करना भी चाहिए। थोड़ा सा अंतर। भगवान पूछे कहाँ जा रहा है? भगवान भूख लग रही है ना, भूख लग रही है ना, और भोजन नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, तो मर जाना तू यहीं पर। हा हा हा, लो भगवान की तरफ से आवाज आई, यहीं मर जा, मेरे चरणों में मर जा। बोलो भगवान के चरणों में मरना अच्छा है कि बुरा? तो क्यों ना अपन आज सब यहीं मरेंगे। चलो तुम साहस करो तो मैं भी छोड़ता हूं। अरे महाराज, आपको वहां का पंचकर्ण करने का कुरावड़ी? अरे छोड़ो पंचकर्ण, छोड़ो पंचकर्ण, कोई मैंने वायदा नहीं किया है। मैंने तो अभी तक आशीर्वाद भी नहीं दिया, उन्हें छाप दिया है। हाँ पर तो बहुत उसे यार, क्योंकि कहीं ऐसा मौका आ गया। चलो तुम सब ग्रोड वाले पहले बताओ, भगवान के चरणों में मरना अच्छा है कि बुरा? तो क्यों नहीं अपन सब बैठकर आज यहीं मरते हैं? तीन चार दिन नहीं खाएंगे तो अपने आप, कोई चार दिन में, कोई पांच दिन में, कोई दस उपवास किया होगा तो ग्यारहवें दिन पंद्रहवें दिन में अपन निपट जाएंगे। पंद्रह दिन में निपट जाएंगे, कोई तो दो तीन है ना। भगवान के चरणों में मरना अच्छा है तो क्यों ना अपन मरने के लिए तैयार हो जाए। भगवान ने खुद कहा, क्यों जा रहा है? बोले रोटी नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो भगवान ने कह दिया, मर जा तुम यहीं, मर जा। अब बोलो दोनों में से मरना ठीक है, जिंदा रहना ठीक है? देखो मरना भगवान के चरण में, भगवान ने खुद कह दिया मर जा। अब यहां तुम बनियाईगिरी लगाओ बेटा, नहीं तो मरोगे, और नहीं मरोगे तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, तुम भगवान विरोधी कहलाओगे। कि भगवान ने मरने की कही थी और तुम फिर भी चले गए। यदि तुम पूरा करो, यदि यहां मरने को तैयार है तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा। चलो छुल्लक जी को भी मना लूंगा, कोई बात, अपन सब यहीं मरते हैं। कैसा रहा प्रस्ताव? बोलो मरने को तैयार हो या घर जो भोजन बन रहा है उसको खाने को तैयार हो? दोनों में से एक बताओ। मैं तो बच जाऊंगा, मैं तो हार को उठूंगा, मेरे पास कला है और भगवान से आज्ञा लेके उठूंगा, पक्का है। भगवान खुद कहेंगे नहीं
भगवान मैं भी मर रहा हूँ। नहीं नहीं तुझे नहीं मरना, पीछे के दरवाजे से निकल जा सीधा, मुझे निकाल देंगे भगवान पक्का है। और तुम्हें बचा लूं मैं, और भगवान की आज्ञा का पालन भी होगा। बड़ा जबरदस्त केस फंसा है, तुम्हें बचा सकता हूं मैं, तुम मुझे पहले वकील बनाओ। ऐसे थोड़ी फोकट में बना लूंगा, फीस लगेगी करा, वो क्या बोलते मुख्तियारनामा, बोलो मुझे वकील बनाओ तो बचाओ, नहीं तो मरो, क्या बनो क्या बनो, मरो या भगवान को कह दो नहीं जाना हम जाएंगे। जबरदस्ती भगवान की आज्ञा के बिना गए तो भगोड़े कहलाओगे फरारी, बिना आज्ञा के गए तो फरारी में आओगे, भगोड़े कहलाओगे, और आज्ञा लेके जाओगे तो बरी कहलाओगे। बोलो फरारी होना है कि बरी होना है, हैं? तो मुझे वकील बनाओ। बोलो महाराज जी अब आप ही बचाओ वकील साहब। बोलो ना, बस इतना सा कहना, भगवान देखो मैं भोजन करूंगा, क्यों? आपके लिए, धर्म के लिए, मंदिर के लिए भोजन करूंगा मैं, मुझे जिंदा रहना है, कल अभिषेक होगा भगवान, हम ऐसे ही सब मर जाएंगे तो आप अकेले क्या स्मशान घाट में रहोगे? आपके लिए मुझे कल तक जिंदा रहना है, क्योंकि कल फुल मुझे अभिषेक करना है, इसलिए आपके लिए मैं जिंदा रहूंगा। हमें क्या भगवान, मैं तो क्या लो अभी हाल मरे जा तो मैं तो समाधि ले लूंगा। भगवान कहते नहीं नहीं तू उठ जा, रत्नत्रय के लिए, धर्म के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए उठ जा। साधु अपने लिए भोजन करता है ही नहीं है, मुनि धर्म के पालन करने के लिए करता है, धर्म की प्रभावना के लिए करता है, अपने लिए भोजन करता नहीं। इसलिए भगवान कह देते हाँ उठ जा। तुम भी कहो किस लिए भोजन करोगे, बड़ी हो जाओ एक पॉइंट में बड़ी, भगवान आपके लिए जिंदा रहूंगा, आपके लिए मंदिर आया हूं, आपके लिए ही मंदिर से जाऊंगा, आपके लिए ही भोजन करूंगा। भगवान कहेंगे फिर तो ठीक है, मैं जिंदा रहना है, कल अभिषेक करूंगा, मुझे जिंदा रहना है, अभिषेक करूंगा। मैंने अभी रास्ते में कहा था भगवान, मैंने बच्चे भी पैदा किए हैं, ये ध्यान रखना, मैंने बच्चे पैदा नहीं किए हैं, मेरे मरने के बाद भी तेरा अभिषेक होता रहे, मैंने तो एक पुजारी पैदा किया है। हमारे नगर में मुनिराज आते रहे और हार होता रहे, इसलिए मैंने किया। संतान तो पापी पैदा करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो हैं वो जैनी पैदा करते हैं। मैंने कहा किया, देखो 8 वर्ष में आकर के ये अभिषेक का लेके आ गया, 45वें दिन भगवान के सामने लेके कहा भगवान बेटा बेटी पैदा नहीं किए हैं, मैंने आपका भक्त पैदा किया है। देखो सूतक लग दूर होते ही सबसे पहले बच्चे को कहाँ लाते, जानी क्यों लाते, कुछ नहीं बंधु, एक ही बात है, मैंने कुछ पैदा नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने एक जैन कुल में एक जैन भक्त को पैदा किया है, यही है भाभी, मैं तो मरूंगा, मेरी उम्र तो निश्चित है, लेकिन आगे धर्म जीवित बना रहे, मेरे मरने के बाद भी धर्म जीवित बना रहे, इसलिए मैंने जैनी बच्चे को पैदा किया है। क्या ये सोच करके तुमने संतान पैदा की? क्या बेटे से कहा बेटा मैंने तुझे, अनेक कारणों में एक कारण ये भी है कि मेरे मरने के बाद भी इस कुल का अभिषेक भगवान का होता रहे, इसलिए मैंने तुझे जन्म दिया है, ये परंपरा। रोटी खिला दी, अब रोटी खाने के बाद तुम कहाँ जाते हो? भगवान कहे ठीक है रोटी खाने चला जाए, क्योंकि तुम मेरे लिए खाएगा ना, पूछ रहा हूँ, बोलो ना, भूख लगी इसलिए खाओगे कि भगवान के लिए खाओगे? जोर से बोलो। हाँ बेईमान को पता है, ऊपर से बोल रहा है।
भगवान के लिए खाएंगे। अब खाने के बाद क्या करोगे, वापस आओ। भगवान कहेंगे खाने के बाद तुरंत वापस आ जाना यहीं पर। नहीं भगवान, वापस तो नहीं आऊँगा। बोले अब तू कहाँ जाएगा फिर? बोले दुकान जाऊँगा, व्यापार करने जाऊँगा, नौकरी पर जाऊँगा। भगवान तेरी इच्छा नहीं है? नहीं मेरी इच्छा तो नहीं है। तू वहाँ झूठ बोलेगा, पाप करेगा, आराम परिग्रह करेगा, मेरी अनुमति नहीं है। भगवान की अनुमति नहीं है व्यापार करने की, क्योंकि उसमें पाप होता है, आराम परिग्रह होता है, और भगवान कभी अपने भक्त को पाप की प्रेरणा दे नहीं सकते। आज से भोजन तक की छूट है, भोजन करने के बाद कोई भी व्यापार नहीं करेगा, खेती किसानी नहीं करेगा, नौकरी पर नहीं जाएगा। ओके नहीं महाराज जी, देखो अब वो इतना ज़्यादा मत करो आप। मैं कह रहा हूँ मुझे वकील बना के रखो, मैं सब करा दूंगा तुम्हें, पर इतना सा संकल्प कहना है, भगवान व्यापार को जाऊंगा। क्यों जाएगा? तेरे लिए, तेरा मंदिर बनाना है ना, अभी चद्दर का बना है, हमें पक्का बनाना है, जाऊंगा दुकान पर तेरे लिए जाऊंगा। बाल बच्चों के लिए कमाया वो तो सूकर भी कमा लेता है, पेट के लिए कमाया वो तो कुत्ता भी कमा लेता है, जो मंदिर के लिए कमाता है वो जैन कहलाता है। मैं जाऊंगा व्यापार भगवान, खा करके यही लौट आया तो आपका मंदिर ऐसा चद्दर से डला है मंदिर पर, चद्दर से डला है मंदिर पर। मैं दिन रात मेहनत करूंगा भगवान, मैं कमाऊंगा, मेरे लिए नहीं तेरे लिए, तेरे मंदिर के लिए। और आज से कोई दुकान पर पूछे क्यों कमा रहे हो, तो एक ही बात देना, मंदिर के लिए गारंटी मेरी है, भगवान कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरे लिए कमा रहा है, मंदिर के लिए कमा रहा है, और मंदिर के लिए कमाना कभी पाप नहीं होता, पुण्य ही होता है। और चिंता मत करना, भगवान के लिए तुम कमाओगे तो महाराज हमारे लिए क्या होगा? चिंता मत करना, भगवान बहुत आगे का है। जो भगवान का मंदिर बना दे, भगवान इतना अव्यवहारी नहीं है कि वो अपना मंदिर बनवा ले और भक्त को फुटपाथ पर रखे, अपने मंदिर के साथ वो तुम्हारा मकान भी बनाएगा। तुम्हें मंदिर के लिए कमाना है। ऐसी बड़ी, इतनी बड़ी समाज है, वो तो पता नहीं तुम। मैं कभी भगवान को बुलाने के पहले पहले पूछता हूँ मंदिर पूरा हुआ कि नहीं है, अधूरा मंदिर मैं कभी नहीं करता। मंदार को भगवान को मैं बुलाऊं, कायदा से ये मंदिर पंच कल्याणक के पहले बन जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, कोई परिस्थिति रही होगी, कम से कम पंचकल्याणक में इतना दान आता कि मंदिर बन जाना चाहिए था। ये दो बात है। पहली बात तो क्या होना चाहिए था, श्रेष्ठ क्या था, श्रेष्ठ क्या था? मंदिर के पहले, पंचकल्याणक के पहले मंदिर, बोलो ना जोर से, पूरा बन जाना चाहिए था। बहुत बढ़िया, ठाट से प्रवेश करते ही ऐसा लगता जैसे हम बहुत बड़े भगवान के जनालय में। गर्व से कहते भगवान देखा, दुनिया कहती मैं पाप करता हूँ, पाप कर, मैंने कहाँ किया पाप, मैंने कमा कमा करके सब तेरा मंदिर बना दिया विशाल। जब मंदिर में भगवान सिद्धालय से उतरते, पंचकल्याणक के आते, तब तू मंदिर में आके विराजमान कराता और कहते भगवान देखा कैसा लगा हमने मंदिर, आपको बुलाने के पहले मैंने तैयारी करके रखी। क्या बहुमान, क्या दुआ मिलती तुम्हें मेरे लिए? जब किसी को पता चल जाए कि यह सब कार्य मेरे लिए किया है तो कैसा लगता है बोलो, भगवान को कैसा लगता, इतना बड़ा मंदिर बनाया तुम,
मेरे लिए इतना सुंदर मंदिर बनाया मेरे लिए, उस समय जो भगवान के आने के आह्लाद होता वो इतना वरदान होता बंधुओं, जन्म जन्म तक नहीं खा पाते। भगवान के आगमन के पहले मंदिर पूर्ण करो। मैं सदा सारी दुनिया सुन रही होगी और मेरा भी चाहिए, मंदिर भगवान के आने के पहले मंदिर पूरा करो। भगवान के आते ही जब पता चलेगा मेरे आने के लिए समाज ने इतनी बड़ी तैयारी की है, इतना बड़ी तैयारी की है, इतना विशाल मंदिर बना के रखा है, वो है सबसे बड़ा वरदान। वो दान अमृत के समान फलता है, अमृत के समान, घटते ही नहीं बढ़ते ही जाता है। सेकंड नंबर पर है कि भगवान पहले तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आप जिस आओगे तो बस आपका आना हुआ और मंदिर पूरा हुआ है। यानी पंच कल्याणक कर लो, पंच कल्याणक में हम इतनी मेहनत इतना दान करेंगे कि पंचकल्याणक के तुरंत बाद कुछ पिता होते हैं बेटे को जन्म के पहले ही बेटे को वसीयत बना देते हैं, कुछ पिता होते हैं सेकंड नंबर के जो जन्म के बाद बेटे के लिए कुछ करते हैं। तुम दोनों ही नहीं कर पाए, पहला तो आपने किया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं थी, कम से कम पंच कल्याणक के बाद तो कायदा से पंच कल्याणक में इतनी इनकम होना चाहिए थी, इतना दान होना चाहिए था कि पूरा मंदिर पंचकल्याणक के बाद। तो कितने दिन हो गए पंचकल्याणक को? ढाई साल में अभी तक तो मंदिर बन जाता है, अब तीसरा मौका है महानुभाव, तीसरा मौका है, दो तो चूक गए, तीसरा मौका है। आज की बात गिरोर में जो कुछ भी कमाई करेगा एक ही नाम से करेगा, जो कुछ भी कमा रहा हूं मुनि सुब्रत नाथ भगवान तेरे मंदिर के लिए कमा रहा हूं। संकल्प करना, एक एक व्यक्ति को मंदिर बनाने की संकल्प करना चाहिए। सही मंदिर वही है जो एक ही व्यक्ति बना देता है। तुम एक एक व्यक्ति, तुम जो मकान बनाते हो हवेली, वो सबसे चंदा करके बनाते हो कि तुम अपने अकेले दम पे बनाते हो? मुझे पता नहीं गिरौर में जो आप लोगों के मकान हैं ये स्वयं की कमाई से बने हैं कि चंदा चिट्ठा से? आप लोग अपने अपने मकान बनाओ बताओ ना, बोलते नहीं हो, धीरे बोल रहे हो। जो तुम लोगों के मकान बनाए हैं वो स्वयं की कमाई से बनाए हैं या चंदा चिट्ठा करके बनाए हैं? जोर से बोलो। वाह, ऐसे तो कह रहा, अच्छे से बोलो ना। जब स्वयं की कमाई से तुम अपना मकान बना सकते हो तो एक व्यक्ति स्वयं की कमाई से जिनेंद्र देव का मंदिर क्यों नहीं बना सकता? हिम्मत चाहिए, भाव चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि समर्थ नहीं होता है, भावना होती है। मैं कहता हूं आप भावना कर लीजिए, आप भगवान के सामने संकल्प कीजिए, भगवान एक आशीर्वाद मुझे दो। ओह, जैसे कहते भगवान इस दुकान में इतनी कमाई हो जाए कि मैं अपना खुद का मकान बना सकूं, खुद का मकान बना, दूसरे के किराए के मकान में जाकर के रहना अच्छा नहीं है, घटिया मकान में रहना अच्छा नहीं है। बस आज गिरौर वाले यही संकल्प करना है, प्रभु क्यों चंदा चट्ठा करूं, बस आप मुझे संकल्प दो, आशीर्वाद दो, मुझे इतना समर्थ कर दो कि पूरा मंदिर मैं अकेला बनाऊंगा। कभी मांगो तो सही। तुम मंदिर को अपना मानते ही नहीं, तुम तो मानते हो मंदिर सबका है, मकान तुम्हारा है, मंदिर तो सबका है। नहीं, संकल्प करना है आपको मात्र। आज जो मैंने कहा था, किसके लिए नहा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो, बस एक संकल्प भगवान से मांगो,
भगवान मुझे दो समा शक्ति, मुझे दो समर्थ, मैं अकेला मंदिर बनाऊंगा। शक्ति तुझे देना है, भावना मैं पूरी करूंगा, बनवा नहीं रहा हूं, मात भावना कर रहा हूं। बोलो यदि तुम्हें इतना समर्थ आ जाए कि तुम इतना बड़ा मंदिर अकेले बना सकते हो, तो इस आशीर्वाद लेने में क्या ऐतराज है। तुम इतने समर्थ हो जाओ कि अकेले मंदिर बना सकते हो तो क्या आपत्ति है। बोलो कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे समर्थ करो। यदि मैं इतना समर्थ हो गया तो अकेला मंदिर बनाऊंगा, यदि ये आशीर्वाद तुम्हें मिलता है तो बोलो क्या ऐतराज है। बोलते नहीं हो, इसमें भी ऐतराज नहीं, इसमें भी ऐतराज है कि यदि मुझे समर्थ दो दो, मैं यदि समर्थ हो जाऊं अकेले मंदिर बनाने के लिए, समर्थ हो जाऊं तो मैं अकेला मंदिर बनाऊंगा, समर्थ हो जाऊं तो कह रहा हूं, अभी नहीं कह रहा हूं, तो क्या आपत्ति है। अब इस पर हाथ उठा दो। गृह में 3-4 ही लोग रह रहे हैं। अरे ये भावना तो करो प्रभु, भावना करो। भावना भाव नाशनी, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत न। भावना करना है प्रभु, शक्ति दो, मैं अकेला बनाऊंगा। मेरी भावना है कि मरने के पहले मैं तेरा मंदिर बना के मरूं, मेरे व्यापार में इतनी बरकत हो जाए कि मैं इतना मंदिर बना सकूं तेरा। तुमने जब मकान बनाने की भावना भाई थी, तुम्हारा मकान बन गया। पहले नहीं थी हिम्मत, भावना भाई थी। आज मंदिर की भावना भाव, तो मैं कह रहा हूं सच्चे दिल से यदि तुम भावना भाव कि भगवान मुझे समर्थ दो, मैं अकेला मंदिर बनाऊंगा, मेरा विश्वास है कि एक दिन घिरौर में ऐसा अमीर आदमी पैदा हो जाएगा, तुम इतने समर्थ बन जाओगे कि अकेले मंदिर बनाने लायक हो जाओगे। तुमने अभी समर्थ ही नहीं किया, भावना ही नहीं की, तुम्हारे मन में भाव ही नहीं आया कभी मैं अकेला मंदिर बनाऊं। चलो ये नहीं कर पाओ तो कम से कम ये कर लो कि हम 10 लोग मिलकर के मंदिर को भागों में बांट दो, एक भाग हम बनाएंगे, एक भाग, लेकिन मंदिर का चद्दर का नहीं रहने देंगे, हम एक दिन पूरा मंदिर बनाएंगे। भगवान के लिए मंदिर की जरूरत नहीं है। मैं अभी पिछले यहां कहा था, मैं मंदिर बनवाने के पक्ष में नहीं होता हूं, मैं तो आपके लिए जो जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाता है उसका जन्म कभी भी, जब तक वो जिनेन्द्र नहीं बनेगा कभी उसका फुटपाथ पे जन्म नहीं होगा। कैसे जन्मते हैं लोग हवेलियों में, कैसे जन्म जाते हैं फुटपाथों पे लोग, फुटपाथों पे लोग जन्म ले लेते हैं, और कुछ महलों में जन्मते। कौन निर्णय करता है। दो व्यक्ति मरे घरौर में, एक ने जाके फुटपाथ किया कि यहां किसी के यहां जन्म लिया, हो सकता है कि नहीं, बोलो, हो सकता। और एक मर करके राजमहल में जाके जन्म लिया, हो सकता है कि नहीं, क्यों, किसने निर्णय किया। ये दो व्यक्ति एक साथ मरे, एक फुटपाथ किया कि हम माँ बाप के यहां जन्म गया जो फुटपाथ पे था, और एक महल में जना, क्यों, जो महल में जन्म लिया। कभी भी तुम्हें यदि अपने बाप के मकान में जन्म लेने का मौका मिले, जो व्यक्ति अपने बाप के मकान में जन्म लेते हैं, नियम से समझना, पूर्व भाव में इन्हें जिनेन्द्र देव के मंदिर में कुछ ना कुछ बनाया होगा, बिना उसके बनी आवास दान। महल में जन्म लिया है, जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाया होगा। विमान में जन्म लिया है, कुछ देवों को क्यों जन्म होता है, विमान में जन्म लिया, बनाने नहीं पड़ा, क्योंकि उसने कभी जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाया था, परिणाम स्वरूप उसे आज मकान नहीं बनाना पड़ा,
विमान में जन्म हुआ, और जितना बड़ा मंदिर बनाओगे उतने ही बड़ा विमान भी जन्म मिलेगा। मिलके बनाया होगा, महल में जन्म हो गया। किसी साधु संत के लिए चाहे कमरा बनाया होगा, मकान में जन्म हो गया। ये आवास दान भगवान के लिए नहीं है, इसलिए है कि आज तुम जिस जैन में जिस मकान में जन्मे हो, अंगला भव भी मेरी एक ही भावना है, करोल वालों इस मंदिर को जल्दी बना लो, आपके मरने के पहले बन जाए। क्यों भगवान के लिए नहीं बनवा रहा हूँ? भगवान तो ठीक ठाक बैठे, बढ़िया है। भगवान के मंदिर को बना लो मरने के पहले। इसलिए कह रहा हूँ कि आज के बाद घिरौर का कोई भी व्यक्ति मरे तो उसका जन्म फुटपाथ पर ना हो के पिता के मकान में जन्म हो। ये और ये भावना यदि तुमने रखी है तो भावना तुम्हें खुद पूरी करना है, और अब के यही सोच के करना है कि भगवान मैं मंदिर ऐसा छोड़ के मरूंगा, मैं तेरे को चद्दर के मंदिर में बैठा के मरूंगा? नहीं, हम संकल्प करते हैं कि मरने के पहले हम अपने मंदिर को बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे। और यदि तुमने ऐसा भाव कर लिया तो बस किसके लिए जीना है, अब अपना समय हो गया, किसके लिए उठना है, किसके लिए नहाना है, किसके लिए मंदिर आना है, किसके लिए रोटी खाना है, किसके लिए कमाना है, किसके लिए मरना है, बस ये यदि अपने अंदर की पर्याय बन जाए तो संसार तो अपने आप चल ही जाएगा। जब भगवान के लिए जिंदा रहेंगे तो हम तो जिंदा रहेंगे ही रहेंगे। मात्र एक संकल्प शक्ति बदलना पड़ती है, और एक हौसला बुलंद रखो, मंदिर भी जल्दी बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। बस संकल्प आपको करना है, तीन संकल्प। पहला संकल्प तो भगवान से मांगो, मेरे से आशीर्वाद मांगो, भगवान मुझे आशीर्वाद दो, मैं ये पूरा हाल अकेले बनाऊं, ऐसा समर्थ मिल जाए, ऐसा व्यापार मेरा चल जाए कि ये मंदिर। दूसरा संकल्प ऐसा करें कि अकेले तो बहुत हो जाएगा, आप 10-15 लोगों को इतना समर्थ कर दें कि हम 10-15 लोग मिलकर पूरा मंदिर बना लें। तीसरा आशीर्वाद लेना है, बस भगवान इतनी उम्र दे देना कि मैं मंदिर बना करके मर सकूं। बस हमने भगवान को बुलाया है तो मेरे जीते जी भगवान का मंदिर बन जाए। ये तीन संकल्प, तीन भावनाएं आपको करना है, और यदि अंदर से आपने तीनों भावनाएं की तो मेरी भावना है कि आप मंदिर बना करके ही मरोगे, मंदिर बना करके ही आप विदा होगे। आपकी अंदर से इच्छा शक्ति होना चाहिए। समय आपका बहुत हो गया। महावीर भगवान की बोलिए। परम पूज्य निर्यापक समरण मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज जी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक थे श्री जयेश जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, ज्ञान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348।